नमस्कार, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। हाय फूडीज, आज बनाएंगे चटपटे कुरमुरे। नाम सुनते ही पानी आ गया ना मुंह में, तो जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने कुरमुरे लिए हैं, इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे लैया, मरमरा, मूरी आदि। मूंगफली और मिक्स नमकीन ली है, जीरा, राई और करी पत्ता, कुछ इंडियन मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला, हींग और ब्लैक पेपर, और 4 चम्मच ऑयल लिया है। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और मूंगफली डालकर चलाते हुए फ्राई करेंगे। मूंगफली भुन गई है, उसी में जीरा, राई और करी पत्ता डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब हींग भी डालेंगे 1/4 चम्मच, साथ ही हल्दी और मिर्च पाउडर डालकर भी मिक्स करेंगे। अब कुरमुरे डालेंगे और चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे हल्दी और ऑयल कुरमुरों पर चढ़ जाए और हल्दी पक भी जाए। चाट मसाला डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स नमकीन डालकर मिक्स करेंगे, काली मिर्च डालकर मिक्स करेंगे। देखिए कुरमुरे कितने क्रिस्पी हो गए हैं। तो डिश आउट करते हैं। हमारे चटपटे कुरमुरे बनकर तैयार हैं। वीगन डिश है क्योंकि प्लांट बेस है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, घी, बटर आदि यूज नहीं किया है। इसे आप हल्की फुल्की भूख में, ब्रेकफास्ट में, चाय के साथ ले सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं। इसे 1 महीने तक आराम से साफ सूखे जार में भरकर स्टोर भी कर सकते हैं। हॉस्टल लाइफ या स्टूडेंट जो घर से दूर अकेले रहते हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको अर्चना स्वाद बास्केट की चटपटे कुरमुरे की डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप इस डिश को बनाते हैं तो उसकी पिक खींचे, हैशटैग अर्चना स्वाद बास्केट को टैग करके इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जिसे हम अपनी स्टोरी में डाल सकें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।